बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी मोदी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अक्सर वो सरकार की खामियों के बारे में बताते रहते हैं, इसके साथ ही देश की जनता को सरकार का सच भी बताते हैं। लेकिन इस बार तो स्वामी ने राहुल गांधी का साथ देते हुए इशारों इशारों में उन्हें बड़ा मैसेज दिया। दरअसल स्वामी ने राहुल गांधी को इशारों में समझाते हुए कहा कि बुद्धू, तुम्हारी भारतीय नागरिकता अभी खत्म नहीं हुई। उधर गृह मंत्री शरद पवार के साथ गुप्त बैठक में व्यस्त हैं। स्वामी ने एक तीर से दो निशाने साधे। एक तो उन्होंने राहुल गांधी को इशारों में मैसेज दिया, इसके बाद उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधा। वाकई में ये कितनी हैरान करने वाली बात है कि देश के अंदर कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और गृह मंत्री सभी चिंताओं से मुक्त राजनीति करने में जुटे हुए हैं। इससे पता चलता है कि मौजूदा सरकार के मंत्रियों को देश की जनता की जान की फिक्र नहीं है, बल्कि राजनीति करने में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी है। वैसे आपको बता दें कि सभी राजनीतिक पार्टियों की नज़र अब 2 मई के नतीजों पर टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरह से देखने को मिला कि देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और 2 मई को अब नतीजे सामने आने वाले हैं। ऐसे में बहुत सारे एग्जिट पोल अलग अलग दावा कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर एग्जिट पोल ये संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी को इन चुनाव में बड़ा झटका लगने वाला है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।